हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ लेसन 8, आवर व्हीकल्स। तो बेटा, हमने ये लेसन पहले अच्छे से पढ़ लिया है और हमने इस लेसन के अंदर क्या क्या सीखा है कि व्हाट इज़ व्हीकल्स, व्हाट इज़ ट्रैवलिंग मीन्स ऑफ ट्रैवल्स। तो बेटा, व्हाट इज़ ट्रैवलिंग क्या होती है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रैवलिंग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? ट्रैवलिंग। इट मूव्स ऑन फुट और यूज व्हीकल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम पैदल भी जा सकते हैं और हम व्हीकल का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मीन्स ऑफ ट्रैवल कौन कौन से होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर मीन एयर ट्रेवल्स और लैंड ट्रेवल्स और वाटर ट्रेवल्स, ठीक है बेटा। अब हम इसकी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ ट्रेवल गिवन बिलो एंड राइट वेदर इट मूव्स ऑन लैंड, वेट वाटर और इन एयर। हमें यहाँ पर ट्रैवल के मीन्स को, ट्रैवल के साधन को, माध्यम को आइडेंटिफाई करना है और उनके नीचे उनका नेम लिखना है और बताना है कि वो लैंड वाटर हैं, लैंड है, वाटर है या एयर ट्रांसपोर्ट है, ओके। तो क्या है बेटा ये? बोट। बोट क्या है हमारी? वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, तो ये क्या है? वाटर, ठीक है। ये क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ चलता है? एयर में, तो हम यहाँ लिखेंगे एयर, ठीक है। ये क्या है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल किस पर चलती है? लैंड पर, तो हम लिखेंगे ये है लैंड ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? रिक्शा। तो रिक्शा कहाँ चलती है? लैंड पर, LA and D, लैंड, ठीक है बेटा। अब है बी ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी यूज। तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं हम? व्हीकल यूज़ करते हैं या वाटर यूज़ करते हैं या टेलीफोन यूज़ करते हैं या एयर की यूज़ करते हैं? जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो हम व्हीकल का यूज़ करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे? व्हीकल्स। और हमें वो यहाँ पर लिखना है VEHICLES, व्हीकल्स, ठीक है। अब टू है, विच ऑफ दीज वुड यू यूज टू मीट योर नेबरहुड फ्रेंड। नेबरहुड क्या होता है बेटा? पड़ोसी, आस पड़ोस। और नेबरहुड का फ्रेंड कौन है? जो आपके पड़ोस में रहता है फ्रेंड। तो आपके जो पड़ोस में फ्रेंड है उससे मिलने के लिए आप क्या यूज करोगे? मीट यानी मिलना। तो आप साइकिल यूज करोगे या टेलीफोन यूज करोगे या ट्रक या ट्रेन? तो बिल्कुल हमारे नेबरहुड में है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? साइकिल, ओके। अब है थर्ड, विच ऑफ दीज वुड यू यूज टू विजिट अ फैमिली मेम्बर हु लिव्स इन अनदर कंट्री। अनदर कंट्री, कंट्री क्या होता है? देश। अनदर दूसरा। तो तुम क्या यूज करोगे अगर आपका फैमिली मेम्बर दूसरे देश में रहता है और उससे मिलने के लिए जाओगे? तो अगर आप पे दूसरे देश में अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए क्या यूज करोगे? दूसरे देश में जाना है तो हम बाईसाइकिल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, ना ही ट्रेन, ना ही बुलेट कार्ड। बुलेट कार्ड कौन सी होती है? बैलगाड़ी। तो हम क्या यूज़ करेंगे? एरोप्लेन, ठीक है। फोर्थ हमारा, विच ऑफ दीज मूव द फास्टेस्ट। फास्टेस्ट क्या होता है? सबसे तेज। तो हमारा मूव चलने वाला, तो सबसे तेज चलने वाला कौन सा है हमारा? एरोप्लेन, जो बहुत ही तेज चलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ टिक करना है। अब सी ऑप्शन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो हमने आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिए हैं। आप वहां से इनको अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। अब है लेट्स ऑब्जर्व। अब फर्स्ट है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या है इस पिक्चर में? तो मेट्रो ट्रेन। क्या है? मेट्रो ट्रेन। फाइंड आउट वट इट नीड्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पता लगाओ इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। कैसे जाती है ये? इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, इसको बिजली की ज़रूरत होती है, ठीक है।
ठीक है, ई एल ई सी टी आर आई, इलेक्ट्रिसिटी। अब है थर्ड, डज इट हैव व्हील्स, इफ यस फाइंड आउट हाउ मैनी व्हील्स डज इट हैव। अब क्या इसके पहिए होते हैं, व्हील्स क्या होते हैं, पहिए, यदि हाँ तो कितने होते हैं। यस, उसके कितने पहिए होते हैं, यस नंबर ऑफ व्हील्स, बहुत सारे व्हील्स होते हैं। ठीक है, अब है एक्टिविटी, कलेक्ट टिकट्स ऑफ द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल। आपको अलग अलग ट्रैवल्स के व्हीकल्स की टिकट इकट्ठी करनी है, पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, और आपको स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है उनको। राइट डाउन बिलो द टिकट्स व्हाट टाइप ऑफ द व्हीकल इट इज, और आपको उस टिकट के नीचे लिखना है कि किस टाइप के व्हीकल की है। ठीक है, ये लैंड की है या वाटर की है या एयर की है। ओके, अब है लेट्स प्लाई, टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रैवल दे यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग व्हेन दे वर यंग। आपको अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है, जब वो जवान थे, यंग थे, तो वो यात्रा करते वक्त क्या यूज़, कौन से मीन्स ऑफ ट्रैवल यूज़ करते थे, यानी यातायात के साधन यूज़ करते थे। आर दिस डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट यू सी नाउडेज, क्या वे अलग थे जो आप आजकल देख रहे हो। डिस्कस द डिफरेंस एंड शेयर देम विद इन द क्लास, और उसको उनके डिफरेंस को डिस्कस करना है और अपनी क्लास में शेयर करना है। ओके, जैसे आपके दादा हैं, वो पहले टाइम पे क्या यूज़ करते थे, या तो पैदल जाते थे, या वो ऊँट का यूज़ करते थे, ऊँट पर बैठकर जाते थे, या बैलगाड़ी में जाते थे, और आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल, बस, ऑटो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो ये अलग हैं। आई कैन टॉक अबाउट द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रैवल, आपको यात्रा के साधन के बारे में बातें करनी है आ गई हैं, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। नेम द व्हीकल्स दैट मूव ऑन द लैंड, वाटर एंड इन एयर। अगर आपको धरती पर वाटर पर और हवा में चलने वाले व्हीकल्स के नाम पता हैं तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। अगर आपको नहीं लर्न हुए हैं, नहीं पता है और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। ओके बेटा, ये थी हमारी लेसन 8 की एक्सरसाइज।